हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम सीखेंगे EVS चैप्टर नंबर 4, एनिमल्स अराउंड अस। आज हम एनिमल्स के बारे में सीखेंगे। लर्निंग पॉइंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। आज हम अलग अलग प्रकार के एनिमल्स के बारे में सीखेंगे। वेयर डू एनिमल लिव, क्या आपको पता है एनिमल कहाँ रहते हैं, तो चलो देखते हैं। We see different kind of animals around us. Different animals कैसे होते हैं, different होते हैं। Some animals live with us in our house. काफ़ी सारे ऐसे animals होते हैं जिसको हम अपने घर में भी रखते हैं। They are called pet animal. उसको हम क्या कहते हैं, pet animals कहते हैं। Some animals live at home or in the farm. और काफ़ी सारे ऐसे animals होते हैं जिसको घर पे ही भी हम रख सकते हैं और हमारा जो farm है वहाँ पे भी हम रखते हैं। They are called domestic animal. उसको हम क्या कहेंगे, जो farm पे रखते हैं हम animals को, उसको हम domestic animals कहते हैं। They are very useful to us. वो बहुत ही उपयोगी होता है एनिमल्स, जैसे कि काउ, बोफेलो वैसे। एंड सम ऑफ देम हैव फोर लेग्स, और उसके फोर लेग्स होते हैं। एंड दे जनरली लिव ऑन लैंड, और वो ऐसे ही ज़मीन पर रहते हैं, जैसे कि ये एलिफेंट, कैमल, डॉग एंड काउ। काउ और डॉग को हम घर पे भी रखते हैं। एंड सम एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट, काफ़ी सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो फॉरेस्ट यानी कि जंगल में रहते हैं। दे आर वाइल्ड एनिमल, उसको हम क्या कहते हैं, वाइल्ड एनिमल कहते हैं, जैसे कि टाइगर, बियर, ज़ेब्रा, जिराफ आर वाइल्ड एनिमल। ये सारे वाइल्ड एनिमल हैं, जैसे कि यहाँ आपको पिक्चर्स में दिया है, टाइगर, बियर, ज़ेब्रा एंड जिराफ। एंड सम एनिमल्स लाइक द हाउस, काफ़ी सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो हाउस में ही रहते हैं, हम उसको रखना नहीं चाहते तो भी वो हाउस में रहते हैं, जैसे कि लिजर्ड, टोटोइज एंड क्रोकोडाइल हैव शॉर्ट लेग्स। उसके लेग्स कैसे होते हैं, शॉर्ट होते हैं, जैसे कि लिजर्ड तो कहीं भी हो सकती है हाउस में, और स्नैक हैव नो लेग्स, और जो स्नैक होता है उसके तो लेग ही नहीं होते हैं, ये जो है वो हाउस लिजर्ड है। टोटोइस भी घर पे रहता है, टोटोइस दो होते हैं, जो पानी में भी रहता है और पानी के बिना भी रहता है। फिर ये है क्रोकोडाइल्स, स्नैक है तो उसके लेग्स नहीं होते हैं। फिर है एनिमल्स लाइक द क्रोकोडाइल्स, फ्रॉग एंड टोटोइस लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। जो क्रोकोडाइल्स है, फ्रॉग है एंड टोटोइस है, वो जमीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। फिश लिव ओनली इन वाटर, जो फिश होती है वो सिर्फ वाटर में ही रहती है। What will happen to the fish if they are taken out of water? क्या आप फिश को पानी से बाहर निकाल लो तो क्या होता है, तो क्या होगा, फिश मर जाएगी, वो सिर्फ पानी में ही रहती है। Some animals can fly in air. काफ़ी सारे ऐसे animals होते हैं जो fly करते हैं। They are called birds. वो animals को हम क्या कहेंगे, बर्ड्स कहते हैं। बर्ड्स हैव टू विंग्स एंड टू लेग्स, बर्ड्स को क्या होता है, टू विंग्स, उड़ने के लिए उसको क्या चाहिए, विंग्स चाहिए, टू विंग्स होती है और टू लेग होता है। दे हैव फेदर्स एंड अ टेल, उसकी जो फेदर्स होती है उनकी टेल होती है। एंड दे जनरली लिव इन ट्रीज, वो जनरली कहाँ रहते हैं, ट्रीज पे रहते हैं। एंड सम बर्ड कैन स्विम इन वाटर टू, काफ़ी सारे ऐसे बर्ड्स होते हैं जो वाटर में स्विम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ दिया है पेंगुइन, पैरोट, हैन,
डक, स्पैरो एंड कीवी। तो इसमें से जो डक और पेंगुइन है वो वाटर में भी स्विंग कर सकते हैं। नेम अ बर्ड दैट कैन स्विंग इन वाटर, आपको एक नाम बताना है बर्ड्स का जो स्विंग भी कर सकता हो। तो हमने यहाँ पे दो नाम बताए हैं, पेंगुइन एंड डक। फिर है इंसेक्ट आर स्मॉल एनिमल, जो इंसेक्ट होते हैं वो उसको क्या कहते हैं हम, स्मॉल एनिमल। वी सी धैम ऑल अराउंड अस, वो कहीं पे भी दिख सकते हैं। इंसेक्ट हैव सिक्स लेग, जो इंसेक्ट होता है उसके कितने लेग होते हैं, सिक्स लेग होते हैं। मोस्ट इंसेक्ट हैव विंग्स, काफ़ी सारे ऐसे इंसेक्ट हैं उसके विंग्स होते हैं। एंड विंग्स हेल्प धैम टू फ्लाई, और विंग्स उसकी क्या मदद करता है, फ्लाई करने में, उड़ने में मदद करता है। नेम अन इंसेक्ट दैट डज नॉट हैव विंग्स, आप ऐसा इंसेक्ट बताओ कि जिसके विंग्स नहीं होते। तो कौन, किसके विंग्स नहीं होते, एंट के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंटी एंट। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंसेक्ट है बी, कॉकरोच, बटरफ्लाई, एंट एंड मॉस्किटो। ये सारे एंट्स को विंग्स होती, ये सिर्फ एंट को ही नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो आगे हम एक्सरसाइज देखेंगे। ये है हमारी एक्सरसाइज, उसमें क्वेश्चन नंबर वन। ओके स्टूडेंट, तो ये जो एक्सरसाइज है वो आपको ये वीडियो में से देख के अपनी ये वर्कबुक में भी लिखना है। ओके तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वन, वैरायटी अगेंस्ट ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ अगेंस्ट फॉल्स वन। जो सेंटेंस सही है उसमें हम ट्रू लगाएंगे, टी लगाएंगे, और जो गलत है उन पे एफ। तो फर्स्ट है ऑल इंसेक्ट कैन फ्लाई, सारे जो इंसेक्ट होते हैं वो फ्लाई करते हैं, नहीं, काफ़ी सारे ऐसे इंसेक्ट हैं जो फ्लाई नहीं करते, तो ये रॉन्ग है, तो हम फॉल्स लगाएंगे, एफ लगाएंगे। सेकंड है द कैमल क्रावल ऑन द ग्राउंड, जो कैमल है वो क्रावल ऑन द ग्राउंड, तो यस ये सही है, तो टी। थर्ड है स्नैक हैव नो लेग्स, तो ये भी सही है, स्नैक्स के लेग होते नहीं हैं, तो ट्रू। फिर है फिश कैन लिव आउटसाइड वाटर, क्या फिश वाटर के बिना भी रह सकती है, वाटर के बाहर रह सकती है, नहीं, तो ये है फॉल्स। अ मॉस्किटो हैज सिक्स लेग, मॉस्किटो के सिक्स लेग होते हैं, यस, मॉस्किटो क्या है, इंसेक्ट है, तो इंसेक्ट के कितने लेग होते हैं, सिक्स, तो ये सेंटेंस सही है, तो हम लिखेंगे ट्रू। अब आएगा क्वेश्चन नंबर टू, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच। फर्स्ट है एनिमल्स लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, आपको एनिमल्स लिव बोथ ऑन लैंड मतलब वो पानी में भी रहता है और बाहर भी रहता है, वैसे आपको दो एनिमल्स के नाम बताने। तो फर्स्ट है टोर्टोइस एंड सेकंड है क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल और टोर्टोइस हैं वो पानी में भी रह सकते हैं और पानी के बिना भी रह सकते हैं। सेकंड है इंसेक्ट, तो इंसेक्ट का भी ऐसा है जो पानी में भी रहता हो और पानी के बिना भी रहता हो, वो बताना है आपको। तो जो मॉस्किटो है, मॉस्किटो मोस्ट ऑफ पानी में ही रहते हैं, फिर पानी में से गंदगी फैला के हमें काट लेते हैं, तो मॉस्किटो भी पानी में रहता है, पानी के बिना भी रहता है। क्रोकोडाइल है, सॉरी कॉकरोच है, वो कॉकरोच भी पानी में भी रहता है और पानी के बिना भी रहते हैं। ये मॉस्किटो और कॉकरोच जो है वो सिर्फ गंदे पानी में ही रहते हैं। अब सेकंड है कलर द फॉलोइंग पिक्चर, आप देख सकते हैं यहाँ पे दो पिक्चर्स दिए गए हैं, फर्स्ट क्या है बर्ड्स एंड सेकंड क्या है बटरफ्लाई। ये बर्ड्स और इंसेक्ट है, दोनों में आपको अच्छे से कलर फिलअप करना है। फिर है क्वेश्चन नंबर थ्री, सोलो पजल विद द हेल्प ऑफ हेल्प बॉक्स, आपको यहाँ पे एक हेल्प बॉक्स दिया गया है, उनकी मदद से आपको ये पजल कंप्लीट करनी है। तो देखते कौन से वर्ड है, वॉल्फ, ज़ेब्रा, टाइगर, एलिफेंट, फॉक्स एंड जिराफ। तो हम क्या करेंगे, पहले वॉल्फ लेंगे, वॉल्फ का स्पेलिंग डब्ल्यू से स्टार्ट होता है, तो डब्ल्यू कहाँ पे है, यस यहाँ पे, तो यहाँ हम लिखेंगे डब्ल्यू ओ एल एफ, वॉल्फ हो गया।
अब सेकंड है ज़ीब्रा। ज़ीब्रा का स्पेलिंग स्टार्ट होता है जेड से, तो जेड ई बी आर ए ज़ीब्रा। फिर है टाइगर, टाइगर का स्पेलिंग होता है टी से स्टार्ट, तो टी आई जी ई आर टाइगर। फिर है एलिफेंट, एलिफेंट का स्पेलिंग ई से स्टार्ट होता है ई एल ई पी एच ए एन टी एलिफेंट। फिर है फॉक्स, एफ ओ एक्स फॉक्स, ये रहा एफ एफ ओ एक्स। फिर है जीराफ, जीराफ का स्पेलिंग सी से स्टार्ट होता है, तो हम लिखेंगे जी आई आर ए डबल एफ ई जीराफ। ओके, तो यहाँ पे हमारी पजल कंप्लीट हुई। अब फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, सर्कल द ऑड वंस, जो ओड है उन पे हम सर्कल करेंगे। तो फर्स्ट है ईगल, आउल, बफेलो एंड पैरट। ये जो ईगल है वो क्या है, बर्ड्स, आउल भी बर्ड्स, पैरट भी बर्ड्स, बफेलो है वो क्या है, डोमेस्टिक एनिमल। तो हम ये ओड है तो यहाँ पे हम सर्कल करेंगे, ठीक है। सेकंड है फ्रॉग, ये है कैट, क्रोकोडाइल एंड टोर्टोइस। ये जो एनिमल्स हैं उसमें से ये पानी में रहते हैं, फ्रॉग, क्रोकोडाइल एंड टोर्टोइस। कैट पानी में नहीं रहती है, तो ये ओड है तो यहाँ पे हम सर्कल करेंगे। थर्ड है फिश, डॉल्फिन, ऑक्टोपस एंड स्वान। ये सारे जो एनिमल्स हैं वो सिर्फ वाटर में ही रहेंगे, फिश, डॉल्फिन एंड ऑक्टोपस, ये पानी के बिना नहीं रह सकते। तो ओड कौन हुआ, श्वान, तो श्वान पे हम सर्कल करेंगे। फोर है टाइगर, काउ, लायन एंड एलिफेंट। तो टाइगर, लायन एंड एलिफेंट है वो फॉरेस्ट एनिमल है। तो हम यहाँ पे काउ जो है वो क्या है, डोमेस्टिक एनिमल, तो काउ पे हम सर्कल करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। ये सारी ही एक्सरसाइज आपको अपनी ये वर्कबुक में ही करना है, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5।